नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिस्किट से मिठाई बना के बताएंगे कैसे बनते हैं। चलो देखते हैं। ये मैंने बिस्कुट गुड्डे के बिस्कुट लिए हुए हैं, जो 14-12 हैं, 12-13 मतलब थोड़े से, मतलब एक पैकेट है। अब इसको हम तोड़ तोड़ के मिक्सी की जार में डाल लेंगे, पूरी टुकड़े करेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने टुकड़े कर लिए हैं इसके। अब इसको हम पीस लेंगे मोटा मोटा, ददरा थोड़ा सा। अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब हम पीस रहे हैं, और इसमें हमने कोको पाउडर, एक चम्मच कोको पाउडर डाला है। ये वाला मेरा कोको पाउडर का डिब्बा है, ये जो मैंने इसमें डाला हुआ है, क्योंकि चॉकलेटी कलर आ जाएगा बिस्कुट में, जो इसी में पीस के मिक्स हो जाएगा। ये पीस गया है, ये देखिए। अब इसमें मैंने एक चम्मच शक्कर डाली है पिसी हुई, और दूध डाला हुआ है, थोड़ी सी एक चम्मच मलाई डाली है। अब दूध में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पतला सा डो बना लेंगे इसका। दूध डाल के थोड़ा 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 दूध डालिएगा, ज़्यादा दूध डाल देंगे तो पतला हो जाएगा अपने हिसाब से, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालिए। 2-3 चम्मच दूध लग गया है मेरा, ये देखिए डो, ये मेरा डो तैयार हो गया है, बनके तैयार हो गया। ये मैंने मलाई डाली है और अच्छे से, और डो भी मेरा तैयार हो गया पतला था, दूध डाल के ये देखिए और पतला किया है, ताकि ये मिठाई के ऊपर रख सके चॉकलेट। ये मेरा मूंगफली है, मूंगफली को अच्छे से मैं भूंज लिया है, भूंज के इसके छिलका निकाल के और उसको पीस लिया है जी। जो इसमें गुठली है थोड़ी थोड़ी, तो वो तोड़ लेते हैं हम इसमें। इसमें हमने ये मिल्क पाउडर मिलाया हुआ है 3 चम्मच, ये छोटा वाला चम्मच है, ये देखिए ये 3 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर मिलाई है। अगर मिल्क पाउडर आपकी ऊपर आप मिलाओ तो ठीक है, नहीं भी मिलाओ तो भी बना सकते हैं। अब मैं इसको कढ़ाई में भूंज रहे हैं। ये मैंने चीनी डाली है पिसी हुई, चीनी पिसी हुई, चीनी भी डाली है, और मिल्क पाउडर डाला था, और मूंगफली के दाने जो पीस लिए थे वो है, ये सबको मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई में इसको दूध के साथ पकाएंगे थोड़ा सा। हमने इसमें दूध डाल दिया है, दूध के साथ पकाया है। अब इसने देखो कढ़ाई छोड़ दी है, चिकनाई हो गई है। जब तक इसको पकाना है तब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे, खुद पे खुद ये अलग हट जाता है कढ़ाई से दूर। ये देखिए अलग हो रहा है, चिप चिप नहीं हो रहा हमारा डो, तैयार हो गया है ये अच्छे से। अब इसको हम थाली में पलट लेते हैं, थाली है जो थोड़ा सा घी लगा के थाली में पड़ लेते हैं, जिसको अब हम जमा देंगे इसको अच्छे से। ये हम जमा रहे हैं। अब इसको सेट करेंगे, ये हमारा सेट हो गया है चारों तरफ से, चौकोर सेट करेंगे ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी सी कट के पीस अच्छे से आए। चौकोर थोड़ा सा थोड़ा मोटा मोटा करना है, और इसी के पीस ऊपर हमने जो चॉकलेट बनाया था पहले वो उसी के ऊपर लगाना है। ये हमारी 2 कलर की है ट्विन वेन मिठाई है, देखिएगा। अब इसको भी ऐसे ही सेट कर देंगे इसके ऊपर, ये हमारी सेट हो गई है। अब
ये मेरी अच्छे से, अब हम इसको चाहे रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो या फिर फ्रीजर में रख देना एक एक घंटे के लिए, तो अच्छे से जम जाएगी। उसके बाद हम पीस काट लेंगे इसके। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा मुझे भी, ताकि मैं आगे भी नई नई वीडियो लेकर आऊँ। और आपने इतना लाइक किया है वो उसके लिए धन्यवाद। ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। ये हमने पीस काट दिए हैं आधी, ये देखिएगा कितनी चौकोर, कितनी अच्छी पीस कटे हमारे, कितनी अच्छी मिठाई बनी है देखने में। जितनी ये देखने में अच्छी है उतनी खाने में भी अच्छी है, आप पहचान नहीं सकोगे कि ये किससे बनाई गई है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।